हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन देख लिया है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? एन ऑब्जेक्ट इज इन कंटिन्यूअस रेस्ट और इज इन अ मोशन अनलेस वी कैन नॉट अप्लाई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। मतलब किसी चीज़ को अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं करते तो वो उसकी उसी पोजीशन में रहता है। जैसे रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मतलब हम जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे? फोर्स से। अगर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और उससे हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था, F इज इक्वल टू MA। दैट इज़ अ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले कुछ एग्जांपल देते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कभी आपने बोट में ट्रैवल किया होगा तो जब हम बोट से उतरते हैं तो क्या होता है, बोट पीछे की तरफ, जब हम किनारे पे बोट से उतरते हैं तो बोट पीछे की तरफ मूव होती है जब हम उतरते समय। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, हम इजीली वॉक कर सकते हैं ज़मीन पे, हम इजीली वॉक कर सकते हैं। ठीक है, आपने कभी सोचा है कि बर्ड हवा में फ्लाई कैसे होते हैं? ठीक है, ये सारी सिंपल चीज़ें, लेकिन ये सारी किससे रिलेटेड है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने क्या दिया है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हम किसी पे भी अगर एक्शन करते हैं तो हमें वहाँ से अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन मिलते हैं। जैसे मान लो हमारा स्कूल का एग्जांपल, मान लो अगर हमने किसी के कान के नीचे बजा दी तो वहाँ से भी हमें रिएक्शन मिलेगा, तो वो भी क्या करेगा, वो भी हमारे कान के नीचे बजाएगा। मतलब हमने क्या किया, एक्शन किया और उसने क्या दिया, रिएक्शन दिया, पर वो इक्वल। आपने अगर एक थप्पड़ मारा है तो वो भी कितना मारेगा, एक ही मारेगा। तो उसे ही क्या बोला जाता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, मतलब क्या, अगर दो ऑब्जेक्ट है, सपोज मान लो एक ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, तो ये क्या करेगा, इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब ये एक्शन कर रहा है इस पर, तो ये भी क्या करेगा, बी भी इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज एफ ए एंड दैट इज एफ बी। मतलब ए ऑब्जेक्ट किस पे, बी पे अब फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये भी इक्वली क्या करेगा, उतना ही मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का सेम होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं मैथमेटिकल की FA इज इक्वल टू माइनस FB। दोनों फोर्स सेम है, क्योंकि हमने क्या बोला है, फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दोनों फोर्स क्या होंगे, सेम होंगे, सिर्फ उनका डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का अपोजिट होगा, इसलिए माइनस साइन लिया है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए मैंने अब भी कह लिया, निगेटिव लिया। दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस साइन लिया। एंड दिस इज अ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे हम वॉक करते हैं, ज़मीन पे वॉक करते हैं, तो जो हमारा मस्कुलर फोर्स है, हमारे लेग्स का जो मस्कुलर फोर्स है, हम उसे पहले कहाँ पे अप्लाई करते हैं, ज़मीन पे, तो उसे एक्शन फोर्स बोला जाता है। मतलब वो क्या है, एक्शन है, जो हम करते हैं उसे क्या बोला जाता है, एक्शन फोर्स, क्या बोला जाता है, एक्शन। देन उतना ही फोर्स ज़मीन भी हम पे अप्लाई करती है, हमारे लेग पे अप्लाई करती है इन अ अपोजिट डायरेक्शन, तो उसे बोला जाता है रिएक्शन फोर्स, उसे क्या बोला जाता है, रिएक्शन फोर्स। तो दोनों का बैलेंस सेम है, इसलिए हम क्या करते हैं, इजीली
यहाँ पे वॉक कर सकते। सपोज सेकंड एग्जांपल लेते हैं चेयर का, चेयर पे हम कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हम चेयर पे बैठते हैं, जब हम ऐसे चेयर पे बैठते हैं, अगर हम यहाँ पे बैठ गए तो ये हमारा जो वेट है वो क्या करता है, चेयर पे एक फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एज अ एक्शन फोर्स, दैट इज़ कॉल्ड एज अ एक्शन फोर्स, ठीक है। तो चेयर भी हमारी बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई करती है, दैट इज रिएक्शन फोर्स। और दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब हमारी बॉडी चेयर पे एक फोर्स अप्लाई कर रही है और चेयर भी हमारी बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई कर रही है, तो दोनों का बैलेंस हो जाता है, इसलिए हम इजीली कंफर्टेबली चेयर पे बैठ सकते हैं। अगर मान लो कि अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट ए है और ये चेयर ऑब्जेक्ट बी है, ओके, तो ये जो हमारा एक्शन फोर्स है, एक्शन फोर्स एफ ए हो गया और रिएक्शन फोर्स एफ बी हो गया, दोनों इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। मान लो अगर इसका फोर्स कम पड़ गया, मतलब एफ ए ग्रेटर हो गया एफ बी से, एफ बी से क्या हो गया, ग्रेटर, मगर हमारा वेट उस एक्शन फोर्स हो गया हमारा वेट, तो रिएक्शन फोर्स के कंपैरिजन में एक्शन फोर्स अगर ज़्यादा लगा तो क्या होगा, चेयर कोलैप्स हो जाएगा और हम नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि दोनों का बैलेंस नहीं होगा। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट, मतलब हम जब एक्शन करते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन लगती है जो कि हमारे एक्शन फोर्स के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब मैंने पहले एग्जांपल बताए थे कि बोट से जब हम उतरते हैं तो बोट बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों मूव होती, जब हम बोट से उतरते हैं तब हमारे पैर का फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो सिमिलरली जब हम फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, दैट इज एक्शन फोर्स, एंड वैसे ही एक रिएक्शन फोर्स बोट पे लगता है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, इसलिए बोट क्या होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन। सेकंड एग्जांपल हमने ये पूछा था कि बर्ड इजीली एयर में फ्लाई कैसे करते हैं, बराबर है। बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं वो नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं, एक्शन फोर्स लगा रहे हैं। वो जो दो विंग्स होते हैं बर्ड्स के वो क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हैं, मतलब वो एक्शन फोर्स लगा रहे हैं। और एयर भी क्या करता है, सेम फोर्स लगाता है नीचे से, दैट इज कॉल्ड एज अ रिएक्शन फोर्स। अगर ये बर्ड है, सपोज मान लो ये उसके विंग्स हैं, ये क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करेगा, तो यहाँ से वो एक्शन फोर्स किस पे अप्लाई कर रहा है, एयर पे, ये हो गया एक्शन फोर्स। लेकिन एयर भी उसके विंग्स पे क्या कर रही है, रिएक्शन फोर्स क्या कर रही है, अप्लाई कर रही है, मतलब वो दोनों, और दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होते, इसलिए बर्ड वहाँ पे स्टेबल रहता है और इजीली वो हवा में उड़ सकता है। दैट इज ऑल अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। समझ में आया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। हमने सेकंड लॉ में पढ़ा था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो मतलब मोमेंटम क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था मोमेंटम पी से डिनोट करते, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी, ये था हमारा मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर द मोशन इन अ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है वो क्या होता है, मोमेंटम होता है, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, अब ये इससे कैसे रिलेटेड है, मतलब हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कैसे रिलेटेड है। सपोज टू ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, पहले इनिशियल वेलोसिटी यू थी, यू इसका मास ले लो यम वन और इसका मास यम टू, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू वन और इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू टू, ओके। ये क्या हो रहे हैं, ये मूव हो रहे हैं इन डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। आफ्टर ये दोनों क्या हो गए, कोलाइड हो गए, एक दूसरे से टकरा गए,
कोलाइड हो गए। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट ए की फाइनल वेलोसिटी है v1 और ऑब्जेक्ट बी की फाइनल वेलोसिटी v2 है। ओके, और मास तो दोनों का सेम ही रहेगा, m1 एंड m2। ठीक है, कोलिजन के बाद क्या होगा, मैंने जबकि बताया था कि ये एक फोर्स अप्लाई करेगा FA, एक्शन फोर्स, और बी भी इस पर क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज रिएक्शन फोर्स FB। पर दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो ये था हमारा थर्ड लॉ। तो इससे हम बोल सकते, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, ठीक है, जब ये सारी चीज़ें होंगी तो क्या होगा, अगर हम इसका मोमेंटम निकालेंगे बिफोर कोलिजन, मतलब कोलिजन अभी तक नहीं हुआ, दोनों टकराए नहीं, बिफोर कोलिजन मोमेंटम, ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम बिफोर कोलिजन का निकालते, बिफोर कोलिजन, ठीक है, तो ए का क्या होगा, ए का मोमेंटम क्या होगा, मैंने क्या बोला था, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, जिसका इसका मास है m1 और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u1, बिफोर कोलिजन निकाल रहे हैं, बिफोर मतलब अभी तक कोलिजन नहीं हुआ, और इसका, और ऑब्जेक्ट बी का क्या होगा, m2 u2, ये हो गया बिफोर कोलिजन इनका मोमेंटम। और जब ये टकराते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, दैट इज v1 एंड v2। तो आफ्टर कोलिजन इन दोनों का, आफ्टर कोलिजन इन दोनों का मोमेंटम क्या होगा, पी ऑफ ए लिखते हैं और पी ऑफ बी लिखते हैं। ओके, तो आफ्टर कोलिजन पी ऑफ ए क्या होगा, m1 v1, क्योंकि वेलोसिटी अब चेंज हो गई, वेलोसिटी पहले u1 थी बिफोर कोलिजन, एंड आफ्टर कोलिजन v1 हो गई, और पी बी भी क्या होगा, m2 v2, ये आफ्टर कोलिजन वाला मोमेंटम है और ये बिफोर कोलिजन वाला मोमेंटम है। ठीक है, अब इस केस में मैंने क्या बोला है कि ये दोनों जब कोलाइड होते हैं तो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा, FB इक्वल टू माइनस FA, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, FA इक्वल टू माइनस FB, दोनों फोर्स सेम है, जब ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे कोलिजन के बाद तो फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम है पर डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे हमने सेकंड लॉ में पढ़ा था कि F is equal to ma, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हमने ये फॉर्मूला सेकंड लॉ से डिराइव किया था, ठीक है, यही सेकंड लॉ है, F is equal to ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ए के केस में मास क्या होगा, ए ऑब्जेक्ट का मास क्या था, m1, और एक्सेलरेशन a1 पकड़ लेते हैं पहले वाले का, और बी के केस में माइनस m2 a2, एफ के लिए m1 और बी के लिए, एफ ए के लिए m1 और FB के लिए m2 a2, ठीक है। तो ये हो गया इसका, हमने क्या किया इस फॉर्मूले से, यहाँ पे ऐसे लिखा, एफ का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ ए के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन, ए का मास कितना है m1 और एक्सेलरेशन कितना होगा a1। पर हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v - u / t, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज अ फॉर्मूला फॉर अ एक्सेलरेशन। तो इस एक्सेलरेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो क्या होगा m1 into acceleration के लिए ये फॉर्मूला क्या होगा, v - u / t, ठीक है, इस साइड भी सेम, माइनस m2 into v - u / t, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो u और v और u है, और यहाँ पर भी v और u है, दोनों की सेम नहीं हो सकती, ये फर्स्ट केस के लिए a ऑब्जेक्ट के लिए है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u1 और फाइनल वेलोसिटी
वी वन ऑब्जेक्ट ए के लिए, ठीक है, एफ ए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा वी टू यू टू, ठीक है, याद रख समझ में। दोनों साइड में टी है तो टी टी गेट्स कैंसल, टी टी गेट्स कैंसल, तो हमें क्या मिला, अगर हम यम से दो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यम वन इंटू वी वन माइनस यू वन इक्वल टू माइनस एम टू इंटू वी टू माइनस यू टू, ठीक है, ब्रैकेट के लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, यम वन वी वन माइनस एम वन यू वन, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस एम टू वी टू माइनस माइनस प्लस एम टू यू टू, एम टू यू टू माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। अब ये माइनस वाला साइड उस साइड लेके जाते हैं और ये माइनस वाला इस साइड लेके आते हैं, तो क्या होगा एम वन वी वन, ये अगर ये टर्म में इस साइड लेके आता हूँ तो क्या होगा एम टू वी टू इज इक्वल टू, ये इस साइड जाएगी तो एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, ठीक है। अब इससे क्या कंक्लूड होता है, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे बना है इससे क्या कंक्लूड होता है, आप दोनों के देखो एम वन वी वन एम टू वी टू दोनों के कौन से मोमेंटम है, आफ्टर कोलिजन वाले एम वन वी वन एंड एम टू यू वी टू, एम वन वी वन एंड एम टू वी टू ये कौन से है आफ्टर कोलिजन वाले, और ये दोनों के दोनों क्या है बिफोर कोलिजन वाले, इससे हम क्या बोल सकते हैं मोमेंटम 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 आफ्टर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम मोमेंटम बिफोर कोलिजन, समझ में आया। तो हमें बताना क्या है, ये मैंने यहाँ पे इतना फॉर्मूला डिराइव किया लेकिन बताना क्या है, हमें बताना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब जब दो ऑब्जेक्ट स्ट्राइक होते हैं एक दूसरे पे या फिर कोलाइड होते हैं तो उनका जो बिफोर मोमेंटम है और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है वो दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं, दोनों क्या होते हैं इक्वल, मतलब वहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता और एक्सटर्नल मोमेंटम भी नहीं लगता, जितना मोमेंटम जितना मोशन उनमें पहले था बिफोर कोलिजन उतना ही मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी होता है, तो इस फॉर्मूले से हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन, दैट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब वहाँ पे एक्सटर्नल या फिर एक्स्ट्रा मोमेंटम नहीं आता, कुछ कुछ लोग बोलेंगे कि पहले मोमेंटम कम था लेकिन स्ट्राइक होने के बाद उन ऑब्जेक्ट में ज़्यादा मोमेंटम आ गया ज़्यादा मोशन आ गया, ऐसा नहीं होता, जितना मोमेंटम बिफोर कोलिजन था उतना ही मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा, तो दैट इज़ अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये फॉर्मूला सबको पता चल गया क्या, ये अगर दोनों का एडिशन है मतलब दोनों का दोनों ऑब्जेक्ट के मोमेंटम का क्या है सम, ये आफ्टर कोलिजन वाला और ये बिफोर कोलिजन वाला, दोनों का मोमेंटम इतना था इज इक्वल टू मतलब दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देर इज नो चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो ये हुआ हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर बंदूक के केस में अगर हम कंसिडर करें तो बंदूक की गोली बंदूक में होती है तो दोनों ही रेस्ट पोजिशन में होती है, उनकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है, ठीक है, बंदूक की गोली अगर मोमेंटम उसका हम ध्यान में रखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू, तो उनका जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो क्या होगा ज़ीरो होगा, क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होगी दोनों की, बंदूक की भी और गोली की भी बुलेट की भी, तो ये इनिशियल मोमेंटम क्या होगा ज़ीरो होगा, तो उसका सिर्फ फाइनल मोमेंटम होगा, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम आएंगे, प्रॉब्लम किस पे, गन पे, कि वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी
ऑब्जेक्ट की गोली की इतनी थी, बंदूक की इतनी थी, तो बंदूक का मास निकालो, गन का मास निकालो, या फिर बुलेट का मास निकालो, या फिर बुलेट की वेलोसिटी निकालो। तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि बुलेट इनिशियल पोजिशन में क्या होती थी, उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की जीरो। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेसिस है, मतलब जितनी भी हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे वो पूरे जो हमने अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी पे बेसिस है, सिर्फ आपको थोड़ा सा उस पर दिमाग लगाना है और उसे सॉल्व करना है। सो दैट इज़ योर होमवर्क। और इस चैप्टर में कुछ टर्म्स या कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या अपने पर्सनल ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू।